आजकल कुछ भी पहनो इज अ फैशन. मतलब पहले से डर लगता था करके सही सॉक्स नहीं पहना है मैंने, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट हो गया, एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बट अभी यू वेयर एनीथिंग लाइक दिस इज अ फैशन. सो नाउ फैशन हैज बिकम लाइक रियली इजी. मतलब ऑफर्स इतने सारे आ गए कि तुम लोग कुछ भी पहनो उठा के, इट्स कॉल्ड फैशन नाउडेज. मतलब उल्टा सॉक्स पहन लो फैशन, स्ट्रैप दिख रहा है, इट्स कॉल्ड फैशन. मतलब यू वेयर एनीथिंग, यू डू एनीथिंग इज अ फैशन टुडे. नाउ फैशन इज वेरी इजी बिकॉज बहुत सारे फेस्टिव सेल एंड ऑफर्स चल रहे हैं. आई शॉप फ्रॉम लाइक नायका, अमेजॉन, शीन, सबसे शॉपिंग हो गया, बट दैट इज ऑल ऑनलाइन शॉपिंग. एंड ऑनलाइन शॉपिंग पे मेरे को थोड़ा भरोसा करना डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड मेरे को काफ़ी सारे गैजेट्स भी लेने हैं, मतलब काफ़ी टाइम से मुझे लेना है चीज़ें. सो यू नो व्हाट, आई जस्ट थॉट लेट्स गो आउट एंड शॉप अ लिटिल बिट. एटलीस्ट शॉप में तो कुछ चेक कर सके, थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएंगे. एंड टुडे आई थिंक इज़ अ लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. अब ऑफलाइन देखते हैं, लास्ट डे और सेकेंड लास्ट डे और थर्ड डे और या चलने वाला है. हमको कंपनी देने वाली है हमारी ऊपर है, आ रही है, शी इज कमिंग. सो जिसने आधा घंटा लगाया रेडी होने के लिए, मेरी माँ, शी टुक 10 मिनट तो लगाया, आधा घंटा से व्लॉग को बोलने के लिए. मतलब से मजबूती आती है ना, आधा घंटा बोले तो 10 मिनट इज़ और लाइक जस्ट 10 मिनट होता है. एज ऑफ नाउ वी आर आउटसाइड क्रोमा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पे, सो लेट्स गो इनसाइड. ऑफलाइन शॉपिंग करना है, क्या मिलता है अच्छे दाम में वो चीज़ लेने वाले आज. यहाँ पे अगेन शूटिंग इनसाइड क्रोमा इज़ नॉट अलाउड, इसलिए मैंने अंदर शूट नहीं किया. सो आई वाज सर्चिंग फॉर मैकबुक प्रो i9 जनरेशन, जो कि है कुछ 2,40,000 का. ऑनलाइन द प्राइस इज 2,14,000, बट आई यू नो के नॉट ट्रस्ट इतना महंगे गैजेट पे. अगर कुछ हो जाता है तो मतलब लेने के देने हो जाएंगे. EMI स्कीम्स मैं चेक करी थी, विच इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट. अपने साधारण आम लोगों के लिए EMI मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने पास क्रेडिट कार्ड है नहीं. क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास प्रॉपर जॉब नहीं है, ऐसा इनका बोलना था. नाउ आई एम आउटसाइड क्रोमा, आई बी हेडिंग टूवर्ड्स विजय सेल्स. वहाँ पर दिखते क्या स्कीम्स है, क्या ऑफर्स है, बिकॉज आई डेस्परेटली नीड अ एडिटिंग मशीन नाउ. सो आई वॉज बिजी शॉपिंग, बट लुक, आई फाउंड अ ब्रेव वुमन आउट हियर. इनका नाम वंदना है. वंदना मैम, फर्स्टली आपको ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सो मैं और मम्मी बाइक पर जा रहे थे, मेरे को मम्मी ने बोला करके इनको रुकाना चाहिए, इनको ब्लॉग में लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप इतना सही काम कर रहे हो. मतलब एक लड़की बाइक चला सकती है एंड एक लड़की जिन आपकी एज अप्रॉक्स कितनी रहेगी, 57. What? ओके, 57 years and she is riding a bike in a सलवार कमीज. आपने कभी जीन्स पहन के ऐसे चलाया क्या? हमेशा सलवार में ही है. नहीं नहीं, जीन्स पहन के छुट्टी के दिन मुझे ऑफिस आना पड़ा था, तभी मैंने जीन्स डाला था. अच्छा, बट आपने पूरा टाइम सलवार पे ही चलाया? बस 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 बस. ओह माय गॉड, आई मीन लुक एट ऑल, जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज देख रहे हैं, यू शुड गेट मोटिवेटेड बाय दीस काइंड ऑफ पीपल. थैंक यू सो मच. ये रोज ऑफिस बाइक पे ही जाती है. लुक एट द पावर, 57 इयर्स एंड स्टिल राइडिंग बाइक. नाउ आई सो मच माय माय देयर आल्सो कि आई वांट टू राइड अ बाइसिकल आल्सो. बाइसिकल मींस 6 महीने के बाद मैं बाइसिकल पर भी जाऊंगी. ओह माय गॉड, आई नो, मुझे अच्छी तरह से आती है चलाने. आपको चलाने आती है? ये सब चीजें यहीं पे हो सकती है. इतना ही नहीं, she wants to ride a bicycle also. मुझे कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड ने दिया. ग्रेट. उन्होंने मुझे, वो मेरी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ है मतलब थोड़ा थोड़ा नसी का आवाज़ नहीं आएगी. मेरे हस्बैंड श्यामकांत वीरकर, वो मेरी स्ट्रेंथ है. ओह माय गॉड, बॉयज हस्बैंड्स भी सपोर्ट करिए. देखिए बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब नॉर्मली क्या हो जाता है, लड़के बोलते चला नहीं सकती, हस्बैंड्स को लगता है कि वाइफ सिर्फ काम एंड किचन में ही रहनी चाहिए, बट आपके अगर आपके हस्बैंड देख रहे तो उनको थैंक यू सो मच. ऐसे ही आपके फ्रेंड्स को भी प्लीज़ बोलते रहिए, यू नो, मोटिवेट गर्ल्स एंड सब वुमेन एम्पावरमेंट की जब बारी आ जाती है ना, ऐसा लगता है कि ऐसे सब इंस्पिरेशन होना चाहिए लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मतलब भलाई का जमाना ही नहीं रहा. MacBook Apple which I wanna buy is of 2,45,000 अभी इधर है. फिर उसने बोला 2,30,000,
फिर मैंने उसको ऐसे ही ड्यूज दिया कि क्रोमा में तो 2,15,000 का मिल रहा है। तो उसने जाके बॉस से पूछा, उससे बोला ठीक है मैम हम लोग भी 2,15,000 का देंगे करके आपको। सो इमेजिन अगर मैं बोलती कि क्रोमा में 2,10,000 का मिल रहा है तो शायद वो 2,10,000 भी कर देता यहाँ पर। अभी डिस्कशन पूरी हुई नहीं है, लेट्स सी, आई स्टिल सर्च फॉर सम बेटर ऑप्शन। अगर 1-2,000 भी जहाँ पर कम होता है तो आई यू नो बाय माई लैपटॉप फ्रॉम देयर। मेरे को एक कहावत याद आ गई है कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मेरे घर के पास ही एप्पल का स्टोर है और डीलर ऑथराइज रीसेलर है, यहाँ पर आके पूछना चाहिए था। और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही थी, सो आई एम गोना गो एंड सडन चेक के वहाँ पर कितने का मैकबुक मिलने वाला है। कंपेयर टू क्रोमा एंड विजय सेल्स अगर यहाँ पर सस्ता मिल जाए तो वेल बाय इट फ्रॉम हियर, नहीं तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा मैं कहाँ से ले लूँ। सो नथिंग कैन मेक मी हैप्पी अदर देन फूड। फूड एक्चुअली मेक्स एवरीबडी हैप्पी। लैपटॉप तो हमको मिला नहीं, मतलब मिला बट आई डेंट बाई इट बिकॉज ऑफ द एम पावर की थोड़ी कमी है फिलहाल। तो बाहर निकले तो कुछ लेना ज़रूरी है, लेना नहीं तो खाना ज़रूरी है, मतलब जितना अपने एम पावर है उतना हम कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज रोल राइस एंड कस्टर्ड मिल्क शेक जो कि बहुत टाइम से मुझे पीना था। प्रॉब्ली ये पी के खा के मैं थोड़ा शांत हो जाऊँगी एंड देन आई कैन थिंक प्रॉपरली कि कौन सा लैपटॉप लेना, कौन सा लैपटॉप तो पता है बट कहाँ से लेना है उसके लिए थोड़ा चाहिए शांति, मन की शांति, भूख की शांति। क्या भैया पेट की शांति, इसलिए गुड मॉर्निंग स्क्वाड। सो इट्स द अदर डे मम्मी के साथ, कल काफ़ी टाइम बाद काफ़ी टाइम तक मैं बाहर थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भले शॉपिंग नहीं की बट आई एंजॉयड माई सेल्फ। सो टुडे लाइक नाउ आई एम डूइंग माई मॉर्निंग जॉब जो कि है शारू के साथ, शारू को वॉक पर लेकर आई हूँ मैं सुबह सुबह एंड इतना ज़्यादा मेकअप एंड इतना गेटअप रेडी होकर इसीलिए बिकॉज आई एम गोइंग आउट अगेन विथ माई मॉम टुडे। कल अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो आज भी चलते हैं, सो चलते सो चलते चलते हम पहुंच गए हैं मेट्रो थिएटर, मेट्रो इन सिग्निया, मतलब मॉर्निंग शो आए हम लोग मॉर्निंग शो क्योंकि थोड़ा सस्ते में टिकट मिल जाता है। इवनिंग शो था दैट वाज अराउंड 1,350 रुपीज़ एंड मॉर्निंग शो इज़ 400 रुपीज़, स्टिल इट इज़ एक्सपेंसिव बट थिएटर ही ऐसा है। और आई कैरीड माई कैमरा विथ मी बट अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, ऑब्वियसली अलाउड नहीं रहेगा। तो उन्होंने बैटरी ले ली है हमारी, जितना भी हम लोग शूट करने वाले हैं इट्स गोना बी वाया माई फोन। स्क्रिप्टिंग वॉज परफेक्ट, मतलब ऐसे यू
मतलब मूवी मुझे ऐसी चाहिए कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँ, तो नॉर्मली अगर इफ आई स्टार्ट प्रिडिक्टिंग द मूवी वैसे ही होता है ना, मैं सो जाती हूँ थिएटर में, टेलिंग मी मैं सो जाती हूँ. इसमें आई वॉज लाइक दिस पूरा टाइम, नहीं तो मूवी इसलिए मैं सीख जाता नहीं ना, यही कारण है. आई गो टू स्लीप इन द थिएटर, बट यहाँ पर आई फील सो गुड, इट्स अ थम्स अप. एंड या एक्चुअली व्लॉग इतना ही, दिस वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, व्हाट आई डू व्हाट आई डोंट इफ आई एम नॉट ऑन राइड. तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ. आई गो आउट, आई एंजॉय, आई चिल, एंड बहुत कुछ होता है. सो वो आपको बाकी के व्लॉग में दिखेगा. बाय द वे दैट इज अ गुड न्यूज़ दैट आई एम गोइंग ऑन अ राइड दैट वेरी सून. तो उसकी तैयारी एंड एवरीथिंग आई शो यू अप ऑन द स्क्रीन, ऑन द कैमरा एंड द व्लॉग. टिल देन एंजॉय, enjoy karo meri daily life, what I do, what I don't. That's it guys, as always guys, this is Rajul Vishaka signing up, breaking calls to your lips. Thank you so much for making me a part of your day. I'm gonna see you very soon with the next vlog. Hopefully writing wala vlog rahega wo, abhi bas mujhe ye wala vlog edit karna hai and mummy ne khana rakha hua hai wo khana hai. Till then keep coming, give it up.